गुड मॉर्निंग। सो बहुत दिनों के बाद समय मिला वीडियो बनाने का, थोड़ा सा मैं पर्सनल कामों में व्यस्त था, और ये वीडियो फिर से यू नो मोर ऑफ हेल्प टू ऑल अदर पीपल। सो देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जीके वर्ष के कुछ उसूल्स हैं, और उसी उसूल के अंदर एक ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी स्टूडेंट या किसी भी क्लाइंट का काम खराब ना हो। एवरीबडी शुड गेट अ रिजल्ट, और वट एवर द सर्कमस्टांसेस। तो जहाँ तक हमारा स्टडी अब्रॉड का बिजनेस है, नॉन MBBS, जिसमें बहुत क्रिटिकल होता है वीजा फाइल करना, वी एक्चुअली डू नॉट टेक मोर देन अबाउट 150 केसेज अ ईयर, महीने में एवरेज 10, क्योंकि हर एक वीजा की फाइल को मैं पर्सनली चेक करता हूँ, मगर अपना अपना असूल है। खैर, ये मैंने आपको क्यों बैकग्राउंड बताई, क्योंकि इन्हीं वीजाज में हमारे काफी तकरीबन 10% लोग या 15% लोग होते हैं एवरेज, जो कि मैरिड होते हैं, और इनको स्पाउस वीजा भी चाहिए होता है बाद में। अब हम उसे स्पाउस ओपन वर्क परमिट बोल लें कैनेडा में, या हम उसे सिंपली डिपेंडेंट वीजा बोल लें यूके में और बाकी कंट्रियों में। और लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर, आप अपने राज जो वीडियोस में खोल देते हो, बाकी कंसल्टेंट भी अच्छा काम करेंगे। और मैं कहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया से अगर 5 लाख बच्चे बाहर जा रहे हैं, शायद ना ही मेरा इतना बड़ा विजन है, ना ही इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि मैं 5 लाख बच्चों को केटर कर सकूं। हम तो 150-200 करके खुश हैं, हमारा घर चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, तो बाकी 4,99,000 बच्चों का भी भला हो जाए तो जो हमारे पास ज्ञान है या लॉजिक है वो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टडी वीजा की बातें मैं कई बार पहले कर चुका, आपको बता चुका कि जब आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हो तो वीजा वाला ऑफिसर आपको देख रहा है एज ए टेम्परेरी एंट्रेंट, राइट, जो कि मेरे यहां पढ़ने आ रहा है, एंड यू शुड हैव ऑल द रीजंस टू गो बैक टू योर कंट्री। और इसीलिए दो लाइनें मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को बताता हूं कि अच्छा बच्चा अच्छे घर से, ये एक वीजा ऑफिसर चेक कर रहा है। और अच्छे बच्चे की परिभाषा आपके एकेडमिक स्कोर, आपकी SOP, आपके IELTS स्कोर, PT स्कोर, एंड आप में कोई गैप ना हो, तो ये सब डिफाइन करता है अच्छा बच्चा। अच्छा घर इज डिफाइंड बाय पेरेंट्स की ITR, पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट, एंड पेरेंट्स की वाइट मनी, इजंट इट। अब उस पर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, स्पाउस वीजा पे आए थे। अब ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए 100 में से 10 कंसल्टेंट फ्रॉड हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी कंसल्टेंट ठीक होते हैं, कोई ऐसे फ्रॉड करने के नहीं बैठा हुआ। हाँ, किसी की नॉलेज या किसी का लॉजिक कम ज्यादा हो सकता है, और किसी के पास लॉजिक होता भी है ना, तो सब सच बातें बताता नहीं है क्लाइंट्स को, क्योंकि क्लाइंट्स ही नाराज हो जाते हैं। मैं कहने का मतलब क्या है, तो मेरे पास एक केस आया 4 महीने पहले, पोटेंशियल वही स्पाउस वीजा, पूरी उसकी प्लानिंग है, हर चीज मैं वीडियो में नहीं बता सकता। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, पर जो उसका स्पाउस होने वाला है, मतलब ही इज ए वेरी मीडियोकर पर्सन। तो मैंने कहा, भाई तुम भी अगले 4 महीने में ना ये एक काम करो, और जिन काम को करने में कुछ 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, मैंने किसी से भी कराओ मार्केट में, पर ये 5 काम कराओ। अब वो किसी और कंसल्टेंट के पास गया, उसने बोला नहीं नहीं कुछ भी जरूरत नहीं है, हम तो एक बार स्टूडेंट वीजा लग जाएगा तो मैं आपका लग ही जाएगा, क्योंकि वो 1 लाख रुपए खर्च करवाने में ना कंसल्टेंट डरता है, कहीं भाई चक्कर में वो स्टूडेंट वीजा का केस हमारे हाथ से ना निकल जाए। और जबकि सच्चाई ये है कि वो 1 लाख रुपए ना कोई कंसल्टेंट नहीं रखने वाला, वो 1 लाख रुपए यही होते हैं कि अपने स्पाउस के केस में स्पाउस का वर्क एक्स ठीक कराइए, या उसकी एजुकेशन में कोई गैप है, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो उसको ठीक कराइए। तो लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक पे आते हैं। तो लॉजिक देखिए यही है, अगर स्टूडेंट को स्टडी वीजा मिला है तो स्पाउस का वीजा ना वो कोई हक नहीं है, इस लाइन को समझिए। जैसा मैंने कहा ना कि स्टूडेंट वीजा में अच्छा बच्चा अच्छे घर से, स्पाउस वीजा में वो देख रहे हैं एक इंडिपेंडेंट स्पाउस, ठीक है, दो लाइनें से सिर्फ अच्छा बच्चा अच्छे घर से, स्पाउस के केस में इंडिपेंडेंट स्पाउस, तो दैट मीन्स वही सेम अच्छा स्पाउस अच्छे घर से। तो ये ऐसा नहीं है कि स्पाउस वीजा इज ए शॉर्टकट ऑफ वर्क परमिट, राइट, जो दुनिया में एक परसेप्शन आ जाती है ना कि भैया एक बार मेरे स्पाउस का स्टडी वीजा लग गया तो मेरा तो हक है वर्क परमिट पे जाने का, और मेरे को तो सस्ते में छूट गया मैं, कि वरना अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं कि मैं LIMIA वाला जुगाड़ करके जाता तो मेरे 30-35 लाख रुपए खर्च हो जाते, यहां मेरे स्पाउस को कैसे स्टडी वीजा मिल गया 10-12-15 लाख में, और मेरा फ्री में वर्क परमिट हो गया। और ऐसे लोग ही फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वीजा से रिजल्ट ही नहीं आते हैं, क्यों हमारे सारे स्पाउस वीजा लग जाते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि हम स्पाउस वीजा लगाते हैं समय भी जैसे हम स्टडी वीजा में ध्यान रखते हैं। और आप सब भी बाकी कंसल्टेंट्स को मैं बता रहा हूं,
स्पाउस वीजा का पेपर वर्क तो देखिए ठीक होना चाहिए, लेकिन मेन लॉजिक वही है, क्या एज ए स्पाउस मैं उनको ये साबित कर रहा हूं कि मैं ना वाकई आपके देश में आ रहा हूं अपने स्पाउस से मिलने के लिए, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है स्पाउस से मिलना। ठीक है, क्योंकि इन देशों की पॉलिसी ये है, और आपने ये समझिए कि ये जो पॉलिसीज बनाई गई है ना स्पाउस वीजा की, ये इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को देखे तो बनाई नहीं गई है। ये पॉलिसी बनाई जाती है क्योंकि कनाडा में, यूके में पढ़ने के लिए दूसरी टॉप कंट्री से भी लोग आते हैं ना, जिनके लिए स्पाउस वीजा का मतलब फ्री का वर्क परमिट नहीं होता है, वो एक्चुअली स्पाउस वीजा लेते हैं अपनी स्पाउस के साथ रहने के लिए। और फिर इन सब लोगों ने वर्क परमिट की छूट दे दी है, क्योंकि वही मैंने टिपिकल सोचिए, फ्रांस का अच्छे घर का इंसान जो एक साल का कोर्स करने गया है, और उसके स्पाउस चाह रही है कि मैं साल उसके साथ ही रहूं, और क्योंकि मैं साथ रहूंगी तो मैं खाली बैठ के क्या करूंगी, चलो मैं भी काम कर पाऊं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में हर एक इंसान काम करता है। और ये जो स्पाउस थी ना, ये फ्रांस में भी बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, तो इसको कनाडा या यूके या ऑस्ट्रेलिया अलाउ करता है वर्क करना, क्योंकि वो खुद पहले से एक वर्किंग पर्सन थी, अच्छी कंट्री में रहते थे, जॉब की दिक्कत नहीं थी। वो तो उसके हस्बैंड या वाइफ ने डिसाइड किया कि मुझे हायर एजुकेशन लेनी है, इनमें से किसी कंट्री में लेनी है, और उस कंट्री के लोगों ने कहा कि नहीं, जो तुम्हारा स्पाउस है, विच मोस्टली वुड बी वर्किंग इन वेस्टर्न कंट्रीज इन गुड कंपनीज, वो हमारे यहां भी काम कर सके, उसे करियर में ब्रेक ना लगे, पर्पस ये है। और डेफिनेटली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी सब जो लोग हैं, हमने इसको बना दिया स्पाउस के लिए एक वर्क परमिट की इजी एंट्री, राइट? ठीक है, बना दिया। अब कनाडा या यूके की मजबूरी ये है कि वो जब रूल बनाते हैं, वो ही नहीं कह सकते ना कि भाई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रियों के स्पाउस के लिए रूल अलग है, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रियों के लिए रूल अलग है, बिकॉज इट वुड बी टू मच। बट इंटरनली दे नो, तो जब एक फ्रांस का स्टूडेंट या इटली का स्टूडेंट यूके जा रहा है या कनाडा जा रहा है, या जर्मनी का स्टूडेंट या बेल्जियम का स्टूडेंट या फर्स्ट वर्ल्ड का स्टूडेंट ही आपस में, या ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट यूके जा रहा है, यूके में रहने वाला ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो सबके स्पाउस वीजा फट से लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो स्पाउस है ना, ये खुद से एक इंडिपेंडेंट वर्किंग पर्सन है, और हम इसको वर्क परमिट इसलिए दे रहे हैं अलॉन्ग विद डिपेंडेंट वीजा कि इससे करियर में ब्रेक ना लगे। बट हम हिंदुस्तानी ने इसको कैसा सोचते हैं कि वर्क परमिट मेरा हक है, और मैं कैसे, एक बार मेरे स्पाउस का स्टडी वीजा आ गया फिर तो बस मैं छा गया। और जो कनाडा की बात करें तो अगर मेरा स्पाउस 2 ईयर कोर्स के लिए जा रहा है, उसका 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो अपने भी बल्ले बल्ले 5 साल का वर्क परमिट कन्फर्म हो गया, पीआर का जुगाड़ कर लेंगे। मना नहीं कर रहा, हमारे सारे क्लाइंट्स भी ऐसे हैं, लेकिन मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन फ्रांस, इटली, जर्मनी वाले लोग जब यूके, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो ऐसा नहीं सोच रहे। रूल्स उनके हिसाब से बनाए गए थे, हमारे लिए वो मॉडिफाई तो कर नहीं सकते लिखित में कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज के लिए रूल ये रहेगा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ये रहेगा, तो इट वुड बी टू मच, मतलब कहते हैं ना बैकलैश हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे एक इंटरनेशनल वर्ल्ड के उसमें। बट सब वीजा ऑफिसर्स को ये बातें मालूम है सबको, तो जब वो इंडिया के स्पाउस वीजा की फाइल उठाते हैं सो डिफरेंट नजर से देखते हैं, जब वो इटली, जर्मनी, बेल्जियम के स्पाउस की फाइल उठाते हैं तो डिफरेंट नजर से देखते हैं। अब कैसे हम अपनी फाइल को साबित करें कि इंडिया का स्पाउस भी इटली, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन टाइप का स्पाउस है? वेरी सिंपल रीजन कि हम ये साबित करें कि हम इंडिया में भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसकी टर्नओवर होनी चाहिए, बिजनेस है तो जॉब होनी चाहिए, तो 10-15 हजार नहीं, यू नो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप कम से कम 60-70 हजार की नौकरी कर रहे हैं, स्टेबिलिटी से नौकरी कर रहे हैं, रिप्यूटेड कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, स्पाउस के पेरेंट्स का यहाँ पर अच्छा हिसाब किताब है, अच्छी प्रॉपर्टीज आपके पास इंडिया में, ताकि आप अपनी फाइल को वो इटली, स्पेन जैसी फाइल दिखा सके कि शायद मैं भी 4 साल रहूंगा अपने स्पाउस के पास, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि चूंकि ये पढ़ने जा रहा है, जा रही है, तो मैं इसके साथ जा रहा हूं, मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, या एज हमारी प्लानिंग नहीं थी कि स्टडी लगा के फिर हमें स्पाउस लगाना है, क्योंकि सबको मालूम है कि प्लानिंग यही है, बट ये साबित नहीं करना है, राइट? तो अपने आप को हमें इतना काबिल दिखाना है इंडिया में कि उनको ये लगे कि नहीं, ये तो काबिल इंसान है भाई, एक वेस्टर्न वर्ल्ड के बच्चे की तरह है, और हमारे देश में जो ये आ रहा है सिर्फ इसलिए आ रहा है कि वाकई इसके स्पाउस को हमने स्टडी वीजा दिया है और उसको वो प्रिविलेज चाहिए। और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है ना कि सेम हम कनाडा का एग्जांपल ले, तो जो स्पाउस गई है उसके वो 2 साल का कोर्स कर रहा है,
तो उसका स्पाउस जाएगा, शायद 6 महीने रहेगा, 6 महीने में कुछ काम भी कर लिया ताकि इनकम होती रहे, फिर वो वापस चले जाते अपने देश में, 6 महीने वहां रह लिए, कुछ कर लिया, फिर वापस आ गए, थिंग्स लाइक दैट। सो अगर हम ये साबित करें ना कि स्पाउस की प्रोफाइल, स्पाउस के फिनेंशियल्स, स्पाउस का करियर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट करियर है हिंदुस्तान में, और स्पाउस के साथ जाना इज मोर आउट ऑफ इमोशंस एंड लव रेदर देन मेकिंग मनी, अगर हम ये साबित कर पाएंगे ना तो हमारा स्पाउस वीजा आराम से लग जाएगा। सो यही टिप है सभी लोगों के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर में स्पाउस वीजा लगाना चाहते हैं। देखिए यही टूरिस्ट वीजा में भी लॉजिक होता है, हम लगाते नहीं है, इट्स अ टू मच अ स्मॉल वर्क, पर कोई मेरे पास आता है मैं यही कहता हूँ भाई आपकी ITR 3 लाख रुपए साल की है, आपके बैंक में पड़े हैं 1 लाख रुपए, और आप UK घूमने का प्लान बना रहे हो जिसमें 5 लाख का खर्चा है, तो कौन आपको टूरिस्ट वीजा देगा। तो जब आप बाहर कंट्री में जाने की सोच रहे हो, स्पेशली इंडिपेंडेंट पर्सन, तभी जब आप टूर पैकेज में जाते हो तो आपके वीजा लग जाते हैं, बिकॉज जो गारंटी होती है वो टूर ऑपरेटर की होती है, और इसलिए आपका इंडिपेंडेंट अकेले घूमना अलाउड नहीं होता इन टूर पैकेजेस ना। पर आप इंडिपेंडेंट जा रहे हो तो वो आपको जज कर रहे हैं कि ये हमारे देश में गायब होने आ रहा है कि बाकी घूमने आ रहा है, तो उतनी प्रोफाइल आपके सॉलिड होनी चाहिए, समझे। तो स्पाउस वीजा शुड बी अ इंडिपेंडेंट करियर पर्सन इन इंडिया, जो साबित कर सके कि मैं अपने स्पाउस के पास सिर्फ और सिर्फ इमोशंस एंड लव के लिए जा रहा हूं, पैसा कमाना मेरा मेन उद्देश्य नहीं है, ये साबित करना है। एक बार पहुंच गए जो मर्जी करो, मैं कौन हूं आपको सिखाने वाला समझाने वाला, ठीक है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, ओके। सो ये टिप आपको बहुत हेल्प होगी, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।